हेलो गाइस। तो गाइस माइनक्राफ्ट में एक और बार रात का अंधेरा और मुन्ना हमारे बगल में मंडरा रहा है ज़ॉम्बियों का ढेर सारा बसेरा। ओए ए, क्या बात है यार भैया, आपने तो एकदम बढ़िया लाइन मार दी यार। और मुन्ना तेरा भैया मैं सबसे बेस्ट है। ओए भैया चलिए बहुत तारीफ हो गई यार। वैसे भैया हम लोग रात को इतने ऊपर छत में क्या कर रहे हैं यार? मुन्ना हम लोग इंट्रो देने के लिए आए थे। हाँ यार भैया बात आपने सही कही। तो हे गाइस यार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट के सीजन 2 के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते होंगे पिछले पार्ट में हम लोगों ने अपना थोड़ा सा एक छोटा सा घर बनाया था। ओए मुन्ना अब ये घर भी थोड़ा सा बनने लगा क्या? ये कोई खाने की चीज थोड़ी है जो थोड़ा सा बनाएगा। ओए भैया इसका मतलब है अभी हम लोगों ने अपना घर कम्प्लीट कहा किया है। हम तो भैया बस काम चलाओ एक छोटे से घर में भी रह रहे हैं। ओए ये बात बोलना, थोड़ा सा बोल रहा था। हे भैया वही बात होती है। भैया आप तो ना सेंस भी नहीं समझा करते, इतने दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं। ओए चल ठीक है बकवास मत कर, रात काफी हो रही है और इंट्रो भी हम लोग का हो चुका है। ओए हाँ यार भैया लेकिन आसमान देखिए कितना है। भैया ये कौन मार रहा है यार? ओए मुन्ना नमूने होंगे और क्या, रात हो चुकी है ना। ओए कहाँ से मार रहा है? हे भैया यही पर आस पास था, ये रहा भैया। अभी इसको तोड़ता फोड़ता हूँ। ओए निकल ले ओए पड़ी मुन्ने से। ए भैया मारिए यार जल्दी से। ओए ये ले मार दिया मुन्ना। हे यार भैया बाल बाल बच गए। ओए मुन्ना तेरे भैया के रहते बाल बाल बचने की क्या जरूरत है? ए भैया भागे पीछे क्रीपर आ रहा है यार। ओए कहाँ क्रीपर देख लिया? हे भैया वो आ रहा है यार। ए भैया दो आ रहे हैं यार, ये क्या हो रहा है? ओए रुक जा अभी तोड़ता फोड़ता हूँ। ओए ये क्या फूट ही गया? और तू तो बचा है ना, तू निकल ले। हे भैया यार चलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, हम लोग को घर के अंदर चलना चाहिए। और भैया चलिए नींद मार कर आते हैं, फिर सुबह होगा भैया तो देखा जाएगा। ओए मुन्ना आसमान कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। हे भैया यार सुबह देख लीजिए आसमान को। ओए मुन्ना रात में देखने का मजा ही कुछ अलग होता है। चल ठीक है फिर सोने चलते हैं। और क्या, और गाइस हम लोगों ने छोटा मोटा घर में चेंजेस भी किया है जो कि आप देख ही सकते हैं। चलिए भैया अब सोते हैं यार। और तो चलना पहले खाना तो खा लेते हैं फिर सोते हैं। ओए यार भैया चलिए जाइए ना, काफी ज्यादा सुबह हो चुकी है। ओए मुन्ना रात को देर में सोया था तेरे इंट्रो के चक्कर में। ओए हे भैया देखे कितने सारे क्रीपर इधर साइड। ओए कहां पर क्रीपर? हे भैया ये देखिए इधर साइड कितने सारे हैं यार। ओए क्रीपर उसी पार रहना, नीचे खाई में गिर जाओगे। ओए हे यार भैया ये खाई नहीं है, ये भैया कोई माइन लग रही है यार। ओए मुन्ना क्रीपर कैसे देख रहे हैं? ओए अब आके दिखाओ नमूना। ओए ये ले तुम्हारे सामने नाचूंगा। ओए ओए बल्ले बल्ले सावा सावा। ओए अब आके दिखाओ ना दम है तो। ओए ओए मुन्ना भी ये लोग आ ही नहीं सकते। ओए हे भैया एक तो नीचे गिर गया यार। ओए मुन्ना मैंने जानबूझ के गिरवा दिया है। ओए हे भैया उस बात को छोड़िए यार, आज भैया हम लोग को एक विलेज का एडवेंचर पर चलना है। ओए रुक जा पहले इस नमूने को तोड़ लूं। हे यार भैया आप क्या करते रहते हैं? ओए ये क्या फट गया? हे भैया मैं पहले ही बोला था ना क्रीपर से पंगा वगैरह मत लीजिए कीजिए, भैया बहुत खतरनाक होते हैं ये लोग। ओए क्या बोल रहे हैं मुन्ना, खतरनाक वो भी क्रीपर लोग? ओए ये नमूने मुन्ने कभी खतरनाक हो सकते हैं कभी जैक के सामने? ओए इन सभी को जैक तोड़ देगा, फोड़ भी देगा। ओए हे भैया चलिए आपका तोड़ना फोड़ना हो गया हो, तो भैया हम लोग विलेज के एडवेंचर के लिए थोड़ा सा तैयारियां वगैरह कर लेते हैं यार। ओए तैयारियां करेगा क्या मुन्ना? आयरन की तलवार वगैरह हम लोगों ने ऑलरेडी बना चुके हैं। ओए और मुन्ना आयरन की पिकैक्स भी हमारे पास। तो हे भैया फिर भी खाना वगैरह लेना जरूरी है यार। हे भैया याद रखिएगा हमारे पास खाना कम है। ओए चल ठीक है मैं समझ गया, मतलब हम लोग को खेती बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। हाँ भैया वो तो वही है, लेकिन भैया खाना का वेस्टेज भी मत कीजिएगा। ओए वेस्टेज का मतलब क्या होता है? हे भैया मतलब ज़ॉम्बी से पंगा मत लीजिएगा ताकि भैया हम लोग का खाना बच जाए। ओए चल ठीक है, वैसे मुन्ना मैं सोच रहा था इस बार अपना जो घर बनाए ना हम लोग एकदम बादलों के उस पार बनाए। ओए मतलब कि भैया आसमान की ऊंचाइयों पर? ओए मुन्ना आसमान की ऊंचाइयों पर तो हम लोगों ने एक बार बना चुके हैं, लेकिन मुन्ना इस बार उससे भी ऊंचा मतलब कि बादलों के उस पार। ओए हे यार भैया तब तो बहुत ऊंचा हो जाएगा यार। ओए मुन्ना तभी तो मजा आता है ना। ओए मतलब एकदम यूनिक घर बनाने का। ओए हाँ भैया वैसे बात सही कह रहे हैं, लेकिन भैया हमें अपने दोस्तों से पूछना पड़ेगा ना यार। हे गाइस आप लोग क्या कहते हैं, इस बार हम लोग अपना घर एकदम बादलों के उस पार बनाए कि गाइस कहाँ पर बनाए? आप ही लोग बताना यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओए बिल्कुल सही, मैं तो चाहता हूँ हम लोग अपना घर बादलों के उस पार बनाए, मतलब किसी को ना दिखे, एकदम सीक्रेट हाउस रहे। ओए हे भैया चलिए ठीक है, इधर नहीं जाना इधर जाते हैं। हे भैया चलिए हम लोग जंगलों साइड चलते हैं, क्योंकि भैया जंगलों साइड जाने में फायदा रहता है यार। ओए मुन्ना जंगल में जाने से फायदा क्या रहता है? ओए वहाँ पर मुन्ना ज़ॉम्बी हमारा मंगल कर देते हैं। ओए हे यार भैया चलिए नहीं करेंगे ना यार। आप भैया फिर किस लिए यार, इतना ज़ॉम्बी को तोड़ ही सकते हैं? ओए मुन्ना तो इतने ज़ॉम्बी की बात कर रहा है, मैं माइनक्राफ्ट के जितने भी ज़ॉम्बी है सबको तोड़ दूंगा फोड़ भी दूंगा। ओए चलिए भैया मैं अपने घर का कोऑर्डिनेट नोट कर लेता हूँ, नहीं तो भैया आते समय हम अपने घर का रास्ता भूल गए तो भैया दिक्कत हो जाएगी। ओए मुन्ना तो उसकी टेंशन मत लिया कर, तेरा भैया ना मैप अपने दिमाग में लेकर चलता है। ओए
है यार भैया, अब बिना क्या दिमाग में लेकर चलते हैं। ओए देख इधर बेरी कितनी सारी हैं, ले लेते हैं। जब अपना फॉक्स पेट पालेंगे ना, तब मुन्ना उनके लिए बेरीज बहुत जरूरी रहती हैं। ओए हाँ भैया, इसमें भी एक फॉक्स ही आना बहुत जरूरी है यार। क्यों गाइस, मैंने सही कहा ना यार। 2000 years later. Hey, यार भैया, मेरी तो चलते चलते हालत खस्ता हो गई यार। लेकिन भैया अभी तक हम लोग का विलेज नहीं मिला यार। मुन्ना मिल जाएगा, लेकिन हम लोग को चलना तो पड़ेगा ही ना। हाँ भैया वो तो बात है। चलिए भैया यार चलते हैं फिर भी। हे भैया यार, हम लोग कहाँ पर आ गए इतने घनघोर जंगल में। ओए बोल रहा था मैं, जंगल से नहीं चलते हैं, बाहर बाहर चलते हैं तो विलेज तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ओए हे भैया देखिए, सामने रैबिट कूद रहा यार। हे भैया प्लीज एक बार पकड़ लीजिए यार। ओए मुन्ना तेरी खुशी के लिए रैबिट, क्या मैं किसी भी पकड़ सकता हूँ। ओए रैबिट कहाँ भाग रहा है, रुक जा। ओए रुक जा ना, इतना कूद क्यों रहा है। ओए मुन्ना कुछ ज्यादा ही कूद रहा है। हे यार भैया पकड़ लीजिए ना यार। ओए पकड़ ही तो रहा हूँ, कहाँ भाग गया। ओए रैबिट कहाँ चला गया। हे भैया कहाँ चला गया यार। हे भैया ये क्या यार, ये कहाँ से आ गया। ओ ये नमूना यहाँ पर क्या कर रहा है। हे भैया इसका मतलब आसपास यहाँ पर कहीं चेक पोस्ट है यार। नहीं तो भैया ये कहाँ से आ जाएगा। ओए मुझे भी लगता है। ओए ये क्या हो रहा है। ओए मुन्ना ये तुम्हारे पास ही आ रहा है। ओए नमूना नहीं छोड़ूंगा, तोड़ दूंगा। हे भैया इसकी आर्मी भी यहीं पर होगी यार। ओए आर्मी हो चाहे कुछ भी हो, तोड़ तो दिया है ना। हे भैया यहाँ से भागे यार। यहाँ पर भैया और भी इसके तरह हो गए। ओए मुन्ना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, हम लोग इस समय है कहाँ पर ऑलरेडी। ओए यार भैया वही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा यार। पता नहीं कौन से जंगल में फंस चुके हैं, और भैया शाम भी होने वाली है यार। ओए वो तो ठीक है मुन्ना, ये नमूने मिल रहे हैं, मतलब कि आसपास चेक पोस्ट है इधर तो। हाँ भैया मुझे भी लगता है यार। मतलब कि भैया चेक पोस्ट है तो भैया ये तो बहुत सारे हो गए यार। ओए मुझे भी यही लगता है। ओए मुन्ना इधर तो वाटर है। हे भैया वाटर का क्या करेंगे यार। किधर जाए मुझे समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं कौन से जंगल में फंस गए। ओए पता नहीं मुन्ना, तू यही जंगल से लाना बहुत जरूरी था क्या तेरा। हे यार भैया चलिए, हो गया ना, गलती हो गई यार। ओए क्या गलती हो गई। हे भैया हम लोग को कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, रास्ता भैया अपने आप बन जाता है। भैया सामने विलेज दिख गया यार, मैंने बोला था ना भैया। ओए मुन्ना ये तो सच में विलेज ही है क्या। ओए मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। हे भैया मिल गए यार, फाइनली जाकर विलेज मिल गया भैया। ओए मुन्ना अब तो मजा ही आ जाएगा। ओए बल्ले बल्ले सावा सावा। ओए ओए ये बिल्ली क्यों भांगड़ा पा रही है। ओए बिल्ली ओ ये क्या, तो कुछ ज्यादा ही फुदक रही है। हे भैया भाग लिया यार आपको देख कर। ओए उसको छोड़, एक मुन्ना खाना ही खाना मिल गया। हाँ भैया यार ले लीजिए बहुत सारा खाना। भैया हम लोग फिर से बहुत सारा ब्रेड बना सकते हैं। ओए मुन्ना हम लोग को गोलम भी देख रहा है यहाँ का। हे भैया कुछ नहीं कहेगा यार। ये देख कितना हट्टा कट्टा तगड़ा लग रहा है। हाँ भैया वो तो यार। ए गोलम यार हम तो ऐसे ही आए थे यार। कैसे हो यार गोलम। ओए पागल हाल चाल छोड़, उसको बता कि हम लोग को प्लेजर मिला था। ओए हम लोग को यहाँ पर प्लेजर दिख रहे हैं, और तुम लोग के गांव पर हमला भी कर सकते हैं गोलम। हे भैया उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा यार। निकल्ला बिल्ला क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, गन्ना चूस के। ओए तू यहाँ पर गन्ना ही चूस रह जाएगा, और प्लेजर तेरे गांव में हमला भी कर देंगे, और तुझे भी तोड़ देंगे फोड़ देंगे। ओए कैसी बातें करते हो बिल्लो, मेरे और मेरे भाई के रहते इस गांव को कोई टच भी नहीं कर सकता, गन्ना चूस के। ओए मुन्ना तू घंटी बजा, इन पागलों की कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओए ओए प्लेजर सतर्क हो जाओ, प्लेजर आ रहे हैं। ओए हे यार भैया वो उनका भाई, मतलब कि भैया इस गांव में दो गोलम लग रहे हैं यार। ओए दो गोलम, ओए गांव में तो एक ही गोलम होता है ना। नहीं भैया बड़े गांव में दो गोलम कभी कभी हो जाते हैं यार। ओए चल ठीक है, दोनों संभाल लेंगे तो किस बात की दिक्कत, हम लोग गांव को लूटने में ध्यान लगाते हैं। ओए हाँ यार भैया वही तो मैं भी कह रहा हूँ यार। गोलम भैया इसीलिए तो होते हैं गांव को बचाने के लिए। और भैया हम लोगों ने विलेजर को घंटी बजाकर सतर्क भी कर दिया है कि यहाँ पर विलेजर्स आने वाले हैं। ओए आने क्या वाले हैं। ओए ये क्या बात कर रहे हैं आपस में। ओए इसके क्या चाहिए रे बिल्ली। ओए ये बता ट्रेडिंग क्या दे रहा है। ओए मुन्ना हमेशा घटिया है ट्रेडिंग। ओए छोटू कैसा है। ओए छोटू दबाव भी नहीं दे रहा, निकल ले छोटू नहीं तुझे भी तोड़ूंगा। ए भैया किसी विलेजर को हाथ नहीं लगाइएगा, नहीं तो भैया यहाँ के गोलम आपको नहीं छोड़ेंगे। ओए चल ठीक है, जानता हूँ मुन्ना मैं एक बार टूट चुका हूँ गोलम से। ओए हाँ भैया वो तो ठीक है यार। लेकिन भैया आप अपना बेड कहाँ पर गिरा कर चले यार, हम तो घर से लेकर आए थे ना। ओए मुन्ना पता नहीं कहाँ गिर गया। चलिए भैया कोई बात नहीं, मैंने एक विलेजर के बेड में रिस्पॉन पॉइंट सेट कर दिया है। ओए चल ठीक है। ओए इस विलेज में कुछ मिलेगा भी कि नहीं। ओए ए भैया वो तो आपको ढूंढने से ही मिलेगा ना। ओए मुन्ना उतनी देर से ढूंढ ही रहा हूँ, एक भी आपका घर में मुझे कुछ भी एक चेस्ट भी नहीं दिखा है। ओए
भैया ये रहा गौलम का दूसरा भाई, जाके उससे भी रिश्तेदारी निभा ले। भैया चलिए ठीक है ना यार। देखिए भैया ये वही जगह है जहाँ पर विलेजर सुबह सुबह मीटिंग लगाते हैं और पानी भरने के लिए आते हैं। ऐसा कर, विलेज में तू ही रुक जा और इनके साथ शामिल हो जाओ। यहाँ पर हम लोग विलेज को लूटने आए हैं कि यहाँ पर इनके साथ शामिल होने के लिए आए हैं। ओए यार भैया मैं काम कर तो रहा हूँ ना यार। मुन्ना वो बात नहीं है, रात बहुत जल्दी होने वाली है और अभी हम लोगों को कुछ ठिकाना नहीं है ना, हम लोगों को कुछ मिला भी नहीं है। ओए भैया ब्रेड मिल तो गया ना यार। ब्रेड कहाँ मिला, अभी तो ब्रेड बनाना पड़ेगा। हाँ भैया बना लेंगे। ब्रेड बनाने में कौन सी देरी। वो तो ठीक है, और चल ठीक है। देख मुन्ना मुझे सामने एक चर्च दिख रहा है, काश इसमें तो कोई एक चेस्ट मिल ही जाए। भैया चर्च में कोई चेस्ट नहीं मिलता यार। ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। ओए ऊपर मिलेगा। ओए ये क्या, ये भी खाली है, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है मुन्ना। हे भैया चलिए छोड़िए ना यार। रात काफी हो चुकी है, अब हम लोग को सोने चलना चाहिए। ओए सोने क्या, एक भी चेस्ट विलेज में मिला नहीं है। हे भैया ये मिल गया यार। ओए कहाँ पर है। हे भैया इधर साइड देखिए। ओए ओए क्या बात है मुन्ना, हम लोग खजाना मिल गया। ओए हे और भैया क्या बात है, इतने सारे एमरल और भैया साथ में ब्रेड भी मिल गए। ओए विलेजर निकल ले। 6 hours later हे भैया सुबह हो गई यार। गुड मॉर्निंग। ओए गुड मॉर्निंग मुन्ना। हे रुक जा, अभी गोलम को बताऊंगा। ओए चल निकल ले, हवा आने दे, बड़ा आया गोलम को बताएगा। हे यार भैया कहीं सच में ना बता दे। ओए मुन्ना बता दे क्या कर लेगा गोलम, वहां से इसकी थोड़ी सुनने आएगा। हे यार भैया फिर भी हम लोगों ने इसके साथ गलत किया यार। बेचारा भैया रात को सो रहा था और भैया हम लोगों ने उसको उठा दिया था। ओए चल मुन्ना, ऐसे बड़े विलेजों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है ना, तू ही बोलता है ना। हाँ भैया आज तो आज मेरा डायलॉग बोल रहे हैं। मुन्ना कभी कभी बोलना पड़ता है तुझे समझाने के लिए। ओए तू समझता नहीं है कभी कभी। चल उसको छोड़, हम लोग ब्रेड बनाते हैं अपना खाने के लिए। ओए हाँ भैया वो तो है। चलिए भैया ढेर सारे बनाते हैं ब्रेड। और देखिए भैया ढेर सारे बन भी गए यार। ओए चल ठीक है मुन्ना, इस गाँव में तो आके मुन्ना हम लोग को काफी ज्यादा फायदा भी हो गया। ओए हाँ भैया फायदा तो हो गया। चलिए भैया। ए भैया बताने आया क्या। क्या रे दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं। ओए कोई दिक्कत नहीं है। क्या रे तुझसे नहीं पूछा है। ओए चल निकल ले, बहुत मारूंगा। हे भैया चलिए। वैसे भैया विलेज को हम लोगों ने पूरा ही लूट लिया है। ओए तो मुन्ना लूट लिया, अब यहाँ से निकलते भी है ना। हे भैया मैं सोच रहा था 2-3 दिन और भी रुक जाते हैं, नहीं तो भैया यहाँ पर कहीं विलेजर का हमला हो गया तो भैया इनको बचाने के लिए कौन आएगा। ओए मुन्ना गोलम्स किस लिए है। ओए हे यार भैया फिर भी हम लोग भी थोड़ी थोड़ा मदद कर देंगे यार। क्या जाएगा। ओए चल ठीक है, तू इतना कहता तो रुक ही जाते हैं। ओए तो गाइस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हम लोग को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। और चैनल पे नए हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग 400 के फैमिली के काफी ज्यादा करीब है। ओए तो सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो और फोड़ दो, बचना नहीं चाहिए। ओए तो गाइस यार तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय और गुड बाय। और मेरी तरफ से भी सभी को टाटा बाय बाय। ओए I think the girls with their nails done now.